असल में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महामंत्र के आधार पर एक नए भारत की संरचना हुई है और ये भारत विकासवाद के रास्ते पर, राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। इन 8 सालों में मोदी ने इतना विकास किया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के पैरों के नीचे की मिट्टी खसक गई, कहीं टिक नहीं पा रहे। सारे दल मिलकर के लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो ये सबको रास नहीं आ रहा। तो मोदी जी के महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और ये नया भारत, तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, बाहर की भी आती हैं, शफीपुर में रहती हैं। मुझे भी शफीपुर से ही अलगाववादी ने जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी थी। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर देहात में रहते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी रहते हैं, माननीय राज्यपाल जी रहती हैं, पूरी सरकार रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं और सारा फोर्स कानपुर देहात में ग्रामीण में होता है, तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का जो प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करूँगा अपने योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का कि तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया, और नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती, समूचा विश्व हमारे ऊपर हंसता और फिर योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती। और आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है, अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा।